सोलन के जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने की। इस मौके पर सोलन प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के सचिव संयोजक महेश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। आने वाले चुनावों को लेकर बैठक में भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर चुनावों में कांग्रेस को संगठनात्मक ढंग से कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस बारे में भी विचार विमर्श किया गया, ताकि पार्टी आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर सके। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद खींचातान चल रही थी और जमकर तू तू मैं भी हो रही थी। कार्यकर्ता अपनी अनदेखी का आरोप पदाधिकारियों पर लगा रहे थे। मीडिया के समक्ष भी कार्यकर्ता चुप नहीं हुए, जिसकी वजह से पदाधिकारियों की बड़ी किरकिरी हुई। उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस को भाजपा से सीख लेने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस की कमेटी के सचिव व सोलन के संयोजक महेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, इसीलिए वैचारिक मतभेद होना भी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मतभेदों को दूर कर उन्हें एकजुटता होने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की जनविरोधी नीतियों की वजह से आम जनता त्रस्त है और वह भाजपा से छुटकारा पाना चाहती है। उन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों में वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे और शिमला संसदीय सीट से अवश्य जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और बड़े परिवार के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीच होती रहती है। उसे उसी के लिए हम लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई कि हम सभी लोगों को साथ लेकर चले, कुछ मन मुटाव हो, कोई बात हो, तो हमने उनकी बात को आज अपने प्रदेश के स्तर तक के नेताओं के बीच में रखना है, क्योंकि हम एक कड़ी का काम करेंगे कार्यकर्ताओं की और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में। अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई उनकी डिमांड है, तो मैं जो है वो हम अपने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सुखविंदर सिक्कर जी, उनके पास ये उनकी बात लेके जाऊंगा। जो हमारे प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, इस मोदी सरकार से तंग आ चुकी है, महंगाई से त्रस्त है, चाहे वो नोटबंदी की मार है, चाहे वो गैस की मार है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की मार है, आज सभी लोग जो हैं मोदी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं।